हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं वर्ग 6 विषय हिंदी हिंदी में पाठ आप लोग को दो पाठ का दो ठो क्वेश्चन मैं आप लोग को लिखवा चुकी हूँ। आज उसके आगे प्रश्न लिखवाने जा रही हूँ, उसे आप लोग लिखिए।
दो प्रश्न मैं बोर्ड पर लिख दी, इसे एक बार पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। तीसरा प्रश्न है, चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला क्यों लिया? उत्तर होगा, चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला किया और चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला किया और पास चित्रकार ने और पास चित्रकार ने अपनी समस्या रखी और समस्या और समाधान निकालने की प्रार्थना की। और उसके पास चित्रकार ने अपनी समस्या रखी और समाधान निकालने की प्रार्थना की, यह तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न, एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी, इस वाक्य का आशय स्पष्ट किया था, मैंने उसका अर्थ बताइए कि मुहावरा क्या है। प्रस्तुत इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत वाक्य के माध्यम से कार्यकार ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि कंजूस अपनी कंजूसी के कारण संपन्न होते हुए भी उपहास के पात्र बना रहता है, उसे सभी हे दृष्टि से देखते हैं। प्रस्तुत कहानी का कंजूस सेठ भी एक ऐसा ही व्यक्ति था, पैसा खर्च करने के नाम पर कांपने लगता था। कहने का अर्थ यह कि जिसके पास तो पैसा नहीं है तो मजबूर है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पूरा धन संपन्न रहते हुए भी वह पैसा जो है खर्च करना नहीं चाहते हैं, कि मेरा पैसा वैसे कैसे रहे, खर्च नहीं हो, देना नहीं चाहते हैं, उसी को कंजूस कहा जाता है। पैसा रहते हुए लोग अभी किसी को देते नहीं तो लोग क्या उनको बुरे नज़र से लोग देखते हैं, वो आदमी पर इतना पैसा रहते हुए भी किसी को कुछ देता नहीं है। यही इस प्रश्न का उत्तर है, उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, खूब मन लगा के पढ़िए। आज का टॉपिक इतना, ओके, धन्यवाद।